हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ रसिका पगारिया फ्रॉम अरहम कॉलेज. इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट जॉन मिल्स. वी स्टडीड अबाउट हिज राइटिंग एंड पॉलिटिकल करियर. सी, मिल बिकेम वेल नोन एज अ राइटर. हाँ, उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिक्स एंड पॉलिटिकल वर्क की है, तो वो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है. ही फाउंडेड द लंडन रिव्यू इन 1834 एंड 2 years लेटर बॉट द वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू. और ये सारा उसने मर्ज किया लंडन मैगजीन पे, राइट. भले ही उसने बहुत ज़्यादा रेडिकल व्यूज रखे हैं, बट वो ही केम एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर वेस्टर्न मिनिस्टर इन 1865. ही वॉज इलेक्टेड हेल्प बाई स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन फॉर बींग इंडिपेंडेंट एंड थॉटफुल. सी, ही वॉज इलेक्टेड एंड हेल्प इन द स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन. फिर एज एन इलेक्टेड मेम्बर फॉर वेस्ट मिनिस्टर, ही वॉज द फर्स्ट MP जिसने बिल कॉल किया था फॉर वुमेन, कि बाबा वुमेन शुड हैव अ राइट टू वोट, दे शुड हैव अ राइट टू कम अप विद देयर थॉट्स एंड आइडिया. दो ही वॉज डिफिटेड, फिर भी उसने एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन बना के रखी थी, राइट. फिर मिल्स ने ये भी बोला था कि बाबा इवन अडल्ट शुड हैव द राइट टू वोट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन. मिल सॉट टू ऑफर हेल्प फॉर आयरलैंड. फिर मिल वॉज अपोनेंट ऑफ स्लेवरी एंड स्पोक अगेंस्ट कॉलोनिज्म इन द वेस्ट इंडीज. दिस व्यू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिम लूजिंग इलेक्शन इन 1868. मिल रॉट सेवरल ट्रीटीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ वुमेन, सच एज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन. मिल रॉट हाउ द अपोजिशन ऑफ वुमेन was based on the set of prejudices which were merely impeding humanity. Then we saw the works of J.M. Mill. Throughout his life, Mill tried to persuade the British public of the necessity of a scientific approach to understanding social, political and economic change while not neglecting the insight of poet and other imaginative writer. थ्रू आउट हिज लाइफ क्या है, ब्रिटिश ही प्रिजाइज द ब्रिटिश पब्लिक. फिलोसॉफिकली ही वॉज अ रेडिकल. फिलोसॉफिकली क्या है, ही वॉज अ रेडिकल इम्पीरियलिस्ट हु हेल्ड दैट ऑल ह्यूमन नॉलेज इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एंड लॉजिक इज डिराइव बाई जनरलाइजिंग फ्रॉम सेंसरी एक्सपेरिमेंट्स. ही बिलीव फर्मली दैट देर इज नो सच थिंग आइडिया जिसका कोई जिसका कोई परफेक्शन नहीं हो. देन सिस्टम ऑफ लॉजिक, हिज ये बुक सिस्टम ऑफ लॉजिक ऑफ 1843 वॉज एन एम्बिशियस अटेम्प्ट टू गिव एन अकाउंट नॉट ओनली ऑफ लॉजिक एज द टाइटल सजेस्टेड बट ऑफ द मेथड ऑफ साइंस एंड देयर एप्लीकेबिलिटी टू सोशल एज वेल एज प्योरली नेचुरल फिनोमिना. मिल्स कंसेप्ट ऑफ लॉजिक कंप्राइज नॉट ओनली फॉर्मल लॉजिक बट ऑल्सो लॉजिक ऑफ प्रूफ. देखा ना अपन ने, अगर मैं बोल रही हूँ ये ऐसा ऐसा लॉजिक है तो इसके पीछे क्या प्रूफ है, क्या लॉजिक है और इस लॉजिक के पीछे क्या प्रूफ है. जो भी करना है, जो भी देना है, इट शुड बी विद प्रॉपर एविडेंस ओवर हियर. देन द सिस्टम ऑफ लॉजिक ऑल्सो अट्रैक्टेड द इंस्टीट्यूशनल फिलोसोफर ऑफ विलियम वेलहम and Sir William Hamilton, which he saw as bad philosophy. Then principle of political economy. See, his principle of political economy of 1848 tried to show that economics was not the dismissal science that Thomas Carlyle and his radical and literary criticism had supported, and it became one of the most widely read of all books on economics in the period and dominated economic teaching for decade. His early economic policy was generally one of free markets with minimal intervention in the economy, and the principle is largely a highly profitable restatement of Smith and Ricardo's theory of classical capitalist economy. But in the principles, Mill also made the radical argument that he should sacrifice economic growth for the sake of environment and should limit population
as much to give ourselves breathing space as in order to offend the risk of starvation for the overburdened poor, and advocate his own idea of an economy of work-owned cooperative. Then moving towards the next point, that is the Unitarianism. His Unitarianism of 1861 remains the classical defense of the Unitarian view that we should aim at maximizing the welfare of all sentient creatures. See, his Utilitarianism of 1861 क्या बोलता है? It should be a classical defense of the Unitarian view that we should aim at maximizing the welfare of all sentient creatures. However, he was keen to develop Utilitarianism into a more humanitarian doctrine. See, he was keen to develop Utilitarianism into a more humanitarian doctrine. One of Mill's major contribution to Utilitarianism was his argument for the qualitative suppression of pleasure, his instincts that happiness should be accessed not merely by quantity but by quality. See, एक major contribution to Utilitarianism was the argument for the qualitative suppression of pleasure. See, there should be a qualitative suppression of pleasure over here. वो क्या बोलता है? खुश रहना है ना, मैं कितना खुश हूँ ये मत दिखाओ, बट आप कितने दिल से खुश हो और कितने खुश हो ये दिखाओ. लाइक डोंट शो द क्वांटिटी बट शो द क्वालिटी. दैट इंटेलेक्चुअल एंड मोर प्लेजर आर सुपीरियर टू मोर फिजिकल फॉर्म ऑफ प्लेजर. सी, आप अंदर से मॉरल प्लेजर बहुत अच्छा है देन द फिजिकल फॉर्म ऑफ प्लेजर. ही वेंट so far as to say that he would rather be dissatisfied human being than a satisfied pig. See, वो इतना आगे गया कि आप खुशी के पीछे भागते भागते हर खुशी के पीछे भागते भागते इतने ऐसे पागल मत जाओ कि आप dissatisfied human being बन जाओ. लाइक कभी कुछ जो भी कुछ मिलता है कभी सेटिस्फाइड नहीं, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ तो गलत निकलना है. सो तो आप क्या रहो, थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहो. He also turned away from bethering external standard of goodness to something more subjective, arguing that altruism wasn't important as self-interest in deciding what ought to be done. See, he also turned away ये जो बेंथम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड ऑफ गुडनेस है वो भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव बोल रहा है और वो इस पर भी आर्ग्यू कर रहा है. लाइक अब अंदर से कितना ज़्यादा खुश हो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ऐसे ये बोल रहे हैं. देन वन ऑन लिबर्टी. ऑन लिबर्टी पे क्या थॉट है? हाउएवर इट वाज मील्स एसे ऑन लिबर्टी ऑफ 1859 दैट अरोज द ग्रेटेस्ट कंट्रोवर्सी एंड द मोस्ट वायलेंट एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल. सी, हाउएवर इट वाज मील्स एसे. अभी ये क्या था? ये एक मील्स, इट वाज अ मील्स एसे ऑन लिबर्टी. मील ने एक एसे लिखा था ऑन लिबर्टी. इट वाज इन ईयर 1859 दैट अरोज द ग्रेटेस्ट कंट्रोवर्सी, जिससे क्या हो गई, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो गई, एंड द मोस्ट वायलेंट एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल. और ये क्या हो गया, ये सबसे ज़्यादा इट बिकेम द मोस्ट वायलेंट अप्रूवल. मोस्ट बहुत ज़्यादा ऐसे वायलेंट एक्सप्रेशंस हो गए कि भाई अप्रूव करना चाहिए या डिसअप्रूव करना चाहिए. ये थॉट, इट एड्रेस द नेचर एंड लिमिट ऑफ द पावर दैट कैन बी लेजिटिमेटली एक्सरसाइज बाय सोसाइटी ओवर द इंडिविजुअल, एंड ही लेट डाउन हिज वन वेरी सिंपल प्रिंसिपल गवर्निंग द यूज ऑफ कोरेशन इन सोसाइटी. इट एड्रेस, अब इस पर उसने इस पर आप इसके बारे में बोला था, इट एड्रेस्ड द नेचर एंड लिमिट ऑफ पावर. अभी उसने नेचर के बारे में बोला था, इस लिमिट ऑफ पावर की पावर्टी में उसने किसके बारे में बोला था? इट एड्रेस्ड द नेचर, और उसने लाइक
कितने आपके नेचर में लिमिट्स, आपके कितने लिमिट ऑफ पावर है, हाँ, जो आपको देखना चाहिए सोसाइटी की तरफ ओवर एन इंडिविजुअल एंड। और ये उसने वन सिंपल प्रिंसिपल में समझाया है, गवर्निंग द यूज ऑफ कोरिजन इन सोसाइटी, वेदर इट बी बाय लीगल पेनल्टी और बाय द ऑपरेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। फिर ये जो उसने एक सिंपल वे से सब सिखाया है, सिंपल वे से बताया है, ये कैसे हो सकता है? इट कैन बी बाय अ लीगल पेनल्टीज और बाय द ऑपरेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अभी ये पब्लिक ओपिनियन से हो या किसी लिबर्टी से कैसे भी हो। आर्ग्यूइंग दैट वी मे ओनली कोरेज अदर्स इन सेल्फ डिफेंस, अभी आर्ग्यूइंग दैट वी मे ओनली कोरेज अदर इन सेल्फ डिफेंस, इधर टू डिफेंड आवर सेल्फ और टू डिफेंड अदर्स फ्रॉम हार्म। या तो आप खुद को डिफेंड करो या फिर दूसरों को डिफेंड करो हार्म के लिए। द सो कॉल्ड हार्म प्रिंसिपल, सी ही स्पीकिंग ऑफ द सो कॉल्ड हार्म प्रिंसिपल, दस इफ एनी एक्शन इज सेल्फ गार्डिंग, दैट इज इफ एनी एक्शन इज सेल्फ गार्डिंग, दैट इज इट ओनली डायरेक्टली अफेक्ट्स द पर्सन अंडरटेकिंग द एक्शन। That is, it only directly affects the person undertaking the action, then society has no right to intervene. Abhi society has doesn't right to intervene in any of the personal action. Like किसी केस में आप इंटरफेयर करना अच्छी बात है क्या? नहीं, सेम थिंग यही बोल रहे हैं यहाँ पे। लाइक आप ऐसा कुछ एक्शन मत करो जो डायरेक्टली किसी को अफेक्ट करे, या किसी को जानबूझ के हर्ट मत करो आप ऐसे किसी एक्शन से। और सोसाइटी के कुछ भी रहता है रूल्स रेगुलेशन, इसमें आप यू हैव नो राइट टू इंटरवेन, इवन इफ इट फील्स द एक्टर इज हार्मिंग हिमसेल्फ। अगर आपको फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं बाबा ये खुद को ही हार्म पहुंचा रहा है ऐसे गलत एक्शंस लेके, तो क्या है ये चीज़ें गलत, डोंट डू दैट। ही आर्ग्यूड एंड इंडलाइज आर रैशनल इनफ टू मेक डिसीजन अबाउट what is good and also to choose any religion they want. See, उसने आर्ग्यू भी किया क्या सही है और क्या गलत है और क्या डिसीजन आपने रहना चाहिए आपके रिलीजन को लेके। ऑन लिबर्टी ऑल्सो कंटेन एन इम्पैशनेट डिफेंस ऑफ फ्री स्पीच, ऑन लिबर्टी इट ऑल्सो कंटेन एन इम्पैशनेट डिफेंस ऑफ फ्री स्पीच, arguing that free discourse is a necessary condition for intellectual and social progress and that we can never be sure. और अपन never be sure that a silent opinion does not contain some element of the truth. See, अभी कुछ भी ऐसे necessary condition रहने दो, कुछ भी रहने दो, it should all play an important role. मतलब कुछ भी, एवरीथिंग शुड गो ऑन इन अ प्रॉपर वे। लिमिट्स ऑन द रूल्स ऑफ पावर टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम हार्मिंग सोसाइटी, रिक्वायरिंग दैट पीपल शुड हैव अ राइट टू से इन द गवर्नमेंट्स डिसीजन। सॉरी एक पिच पहले ही आ गए आप, सॉरी। सी लिमिट्स ऑन द रूल्स पावर टू प्रिवेंट हिम फॉर हार्मिंग सोसाइटी, इससे क्या है आपको ऐसा कुछ भी रूल नहीं बनाना चाहिए जिससे सोसाइटी को हार्म हो, राइट। पीपल और गवर्नमेंट दोनों अच्छे से ये चलने चाहिए यहाँ पे। ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ द ट्रैनी ऑफ द मेजोरिटी, वेयर द मेजोरिटी ऑपरेट्स द माइनॉरिटी बाय डिसीजन विच कुड बी हार्मफुल एंड रॉन्ग समटाइम and against which precautions are needed. See, where the majority, बहुत से लोग क्या है जो मेजोरिटी में लोग रहते हैं माइनॉरिटी में उनको अपोज करते हैं, डिसीजन अपोज करते हैं, भले ही वो सही क्यों ना गलत क्यों ना हो, बट ये अपोज करना गलत बात है। अगर डिसीजन गलत है तो वो गलत ही रहेगा। देन एग्जामिनेशन ऑफ सर विलियम हैमिल्टन्स फिलोसॉफी, मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ सर विलियम हैमिल्टन फिलोसॉफी
of 1865 constituted the first developed presentation of the doctrine of phenomenologists, the epistemological view, which regards sensation as the basic constituent of reality, and attempt to construct the external world from sensation and the possibility of sensation, and it includes his quote, matter then may be defined as the permanent possibility of sensation. See, Mill's examination of Sir William Hamilton philosophy, ये किसके लिए है? It constituted the first developed presentation. मतलब उन्होंने first developed presentation बनाया of the doctrine of phenomenist. जो sensations, reality, constituent reality, attempt to उसके बारे में बात कर रहे हैं, like वो कैसे construct होती है, external world क्या रहता है, उसके ऊपर कैसे असर हो सकता है, इसके बारे में बोल रहे हैं. एंड इट इंक्लूड्स हिज कोट्स, और उसके अंदर उन्होंने अपने कोट्स भी डाले हैं. मैटर देन मे बी डिफाइंड एज अ परमानेंट पॉसिबिलिटी ऑफ सेंसेशन. मैटर, इसके बाद ये मैटर क्या है, देन इट मे बी डिफाइंड एज अ परमानेंट पॉसिबिलिटी ऑफ सेंसेशन. ऑल दो द ओरिजिन ऑफ फिनोमेनिकल कैन बी ट्रेस्ड बैक टू जॉर्ज बार्ले, इट वॉज ओनली आफ्टर मील हैड अ कमिटमेंट टू द डॉक्टराइन became standard among scientific philosopher until suppressed by physicalism in 1930s. See, यहाँ पे क्या है? Although the origin of phenomenalist can be traced back to George Barclay, it was ये जो मिल था जो सबसे पहले उसने doctrine के बारे में बोला, और ये एक standard बन गया among scientific philosopher, right? About the physicalism in the 1930s. Then the subjection of women. The subjection of women of 1869, apparently published late in life in order to avoid controversies that would lessen the impact of his other work, was thought to be expressly radical in Mill's time, but is now seen as a classical statement of the liberal fascism. See, the subjection of women of 1869, ये क्या है, it was published, बहुत late publish किया है, ताकि क्या है, बहुत ज़्यादा controversies अपन avoid कर सके, इसलिए बहुत late publish हुआ है, that would, और वो अगर पहले ही publish करते तो बहुत ज़्यादा controversies हो जाती, और वो जो अच्छे काम और जो करने जाता, उस पर भी कुछ ना कुछ तो impact करता था. Have been some impact over his other work. इसलिए उसने क्या किया, उसने ये काफ़ी टाइम के बाद पब्लिश किया, बट इज़ नाउ सीन एज अ क्लासिकल स्टेटमेंट ऑफ लिबरल फेमिनिज्म. बट जो उसने पब्लिश किया, भले ही लेट पब्लिश किया, बट इट इज़ नोन एज द क्लासिकल स्टेटमेंट ऑफ लिबरल फेमिनिज्म. मिल आर्ग्यूड दैट इफ फ्रीडम इज गुड फॉर मेन, देन इट इज़ फॉर वुमेन टू. देख मिल क्या बोल रहा है, अगर फ्रीडम मेन के लिए अच्छा है तो फ्रीडम इज़ ऑल्सो गुड फॉर वुमेन ऑल्सो. लाइक सिर्फ मेन को ही फ्रीडम चाहिए क्या हर चीज़ में, हर बात में? नहीं, इवन वीमेन नीड फ्रीडम फॉर ईच एंड एवरीथिंग, राइट? आज ज़माना कैसा है, आज अपन वी आर लिविंग इन द 21st century. आज कैसा है ज़माना, जितना फ्रीडम मेन को है उतना ही फ्रीडम वुमेन को भी है, राइट? आज हर फील्ड में वुमेन आपको दिखती है, एंड वुमेन आर डूइंग मच बेटर देन मैन बहुत से फील्ड में, राइट? इवन टूडे, आज के डेट में. उस वक्त ऐसा था क्या, उस वक्त वीमेन्स कांट वर्क, लाइक उसके घर पे कोई भी नहीं रहा उसको सपोर्ट करने के लिए, तब भी वो काम नहीं कर पाते थे. वुमेन्स आर नॉट सपोज टू वर्क. एक्चुअली मैंने एक स्टोरी देखी, आई डोंट नो, आई थिंक किधर तो जापान उस तरफ में है, कुछ साल पहले की. एक लेडी है, उसका कोई नहीं था, हाँ उसको बच्चे बच्चे कोई नहीं थे, बच्चा भी मर गया था, उसका हस्बैंड भी मर गया था. फिर उसने काम करना शुरू किया तो लोग उसको कोई काम भी नहीं देते थे, लोग उसको काम नहीं देते थे क्योंकि वो वुमेन थी. शी टर्न टू बी अ मैन, वो मैन जैसे कपड़े पहनने लगी, वो मैन जैसे रहने लगी, तो फिर उसको काम मिलने लग गया, जैसे कि रास्ते झाड़ना एंड ऑल. वो मैन जैसे रहने लगी तो एवरीवन स्टार्टेड गिविंग हर वर्क एंड ऑल, और तब वो पे अपना गुजारा कर पा रही थी. अगर वो वुमेन बोल के रहती तो वो आज लिटरली भूख के मारे मर जाती थी. मतलब ऐसा भी सीन है वर्ल्ड में, तो उस वक्त ऐसा ही सीन था. एंड
that even argued against his view drawn from the supposedly different nature of men and women is based on merely superstitious special pleading. If women do not have different nature, the only way to discover what they are is by experiment, and that required that women should have access to everything which men have. See, अभी वुमेन का नेचर अलग रहता है क्या? जैसे मेन का नेचर रहता है वैसे ही वुमेन का नेचर रहता है, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीन है और इवन वुमेन ऑल्सो ह्यूमन बीन. जब दोनों का नेचर सेम है तो आप दोनों में भेदभाव क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे भेदभाव कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर वो एक्सपीरियंस नहीं देख के आप भेदभाव कर रहे हो देन इट इज़ ये गलत है ना. तो फिर अभी दोनों का स्वभाव सेम है तो उस हिसाब से ही दोनों को ट्रीट करो ना. मेन एंड वुमेन शुड बी गिवन इक्वल ट्रीटमेंट. जहाँ पे मेन को एक्सेस दे रहे हो वहाँ पे वुमेन को भी एक्सेस दो. ही फेल्ट दैट द ऑपरेशन ऑफ द वुमेन वॉज वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग अलाइक फ्रॉम एंशियंट टाइम अ सेट ऑफ प्रेजुडाइज दैट सीवियरली इम्प्लिकेटेड द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी. सी, वुमेन को अच्छे से एक पोजिशन मिलनी चाहिए सोसाइटी में, उसके लिए वो उसने बहुत ट्राई किया ताकि इवन दे शुड बी ट्रीटेड इन अ प्रॉपर वे. सी, लाइकवाइज ही चूज नॉट टू हैव द 3 एसेज ऑन रिलीजन पब्लिश्ड अंटिल आफ्टर हिज डेथ. सी, उसने फिर इसलिए बोला कि बाबा 3 एसेज ऑन रिलीजन ये पब्लिश नहीं हुए जब तक वो मरा नहीं, उसके मरने के बाद ये सारा पब्लिश किया गया था. ऑल्दो दे रिमेन मॉडल फॉर काम डिस्कशन ऑफ कंटेनियस टॉपिक एंड एक्चुअली डिसअपॉइंटेड दोज ऑफ मिल्स एडमायर हु हैड लुक्ड फॉर अ टंगर एंड मोर एग्रेसिव एग्नोस्टिक. सी, इसके मरने के बाद वो पब्लिश हुई, भले ही वो काम चला बट डिस्कशन बहुत से इस पर चलते रहा और जो मिल के एडमायर थे, जो मिल को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, उनको भी एक तो वो भी थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो गए थे जिस हिसाब से काम चल रहा था. इन जनरल द एसे क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल रिलीजन व्यू एंड फॉर्मुलेटेड एन अल्टरनेटिव इंस्पायर्ड बाय कॉम्टे इन द गाइड ऑफ अ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी. सी, उस एसे में क्या था, जो अपना ट्रेडिशनल रिलीजन है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था. जो रिलीजन है, रिलीजन व्यू है, ट्रेडिशनल व्यू है, उसको उसने क्रिटिसाइज किया था. एंड ही केम अप विद द अल्टरनेटिव्स आल्सो, जिससे क्या है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है, जिसके अंदर उसने गाइड किया था टूवर्ड्स द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ, लाइक एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. मील आर्ग्यूड दैट बिलीव इन एन ओमनीपोटेंट एंड बेनेवोलेंट गॉड. सी, मील ने बोला कि बाबा भगवान है, भगवान के पीछे भागो एंड ऑल ये सब मत करो. एनकरेज्ड इंटेलेक्चुअल लेजीनेस, और उसने इंटेलेक्चुअल उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है. अमंग अदर पॉइंट्स दो ही आर्ग्यूड दैट ऑल्दो इट इज़ इम्पॉसिबल दैट द यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय एन ओमनीपोटेंट एंड लविंग गॉड, इट इज़ नॉट अनलाइकली दैट अ लेस ओमनीपोटेंट बीइंग फोर्स इज एट वर्क इन द वर्ल्ड. सी, अच्छा आप बोलते हो कि बाबा भगवान चलाता है सब कुछ, भगवान के हिसाब से होता है, भगवान की मर्जी के हिसाब से होता है. ठीक है, मैं इस पर मिल बोलता है आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू ऑन दिस, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, इम्पॉसिबल है. दैट बाबा यूनिवर्स इतना पूरा गवर्नमेंट सॉरी पूरा यूनिवर्स भगवान चला रहा है, भगवान के है एंड इट्स लविंग गॉड एंड ऑल. बट ये क्या है, ये पूरा वर्ल्ड भी क्या है, अगर आप पूरे वर्ल्ड को भी आप भगवान बना सकते हो, भगवान ने बोलते हो तो क्या है, आप पूरे वर्ल्ड को भी भगवान बना सकते हो ऐसे तो, राइट. सो ही इज टॉकिंग ऑफ दैट ओवर हियर, उसके बारे में वो यहाँ पे बात कर रहे हैं. देन व्यूज ऑन लिबर्टी, ये एक पूरा अलग सा ही टॉपिक है, लाइक इस चैप्टर का एक अलग ही सब टॉपिक है ये. विल स्टार्ट दिस व्यूज ऑन लिबर्टी इन द नेक्स्ट लेक्चर. Till that time, you can read the topic well, right? काफ़ी ईजी और काफ़ी अच्छा टॉपिक है. लाइक अगर आप हेगल का वर्क कंपेयर करोगे ना तो मील का वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को. एनी वे, सबका अपना अपना व्यू रहता है. इफ यू हैव एनी डाउट यू ऑल कैन मेल मी ऑन माई मेल आई डी. माई मेल आई डी इज़ रसिका डॉट पकारिया
@arham.edu.in. Thank you.